हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों को सामने दिखाऊंगा अभी वो है फ्रेंड, जैसे कि वेडिंग डेकोरेशन का एक आइडिया मैं दूंगा और उसे कहते हैं जैसे कि हम बेंगोली में बोलते हैं जैसे कि गाय हलूद का ट्रे है, ठीक है, यानी कि गाय हल्दी का ट्रे है, ठीक है। वो वेडिंग डेकोरेशन हम आज दिखाएंगे और कैसे इसे तैयार करना है वो हम सिखाएंगे और साथ ही साथ और भी बहुत सारा हम नॉलेज देंगे। डिजाइन हम एक ही दिखाएंगे वेडिंग डेकोरेशन का, मगर साथ ही साथ आप लोगों को इतना आइडिया देंगे और आप लोगों को एक को देखकर हजारों करने के लिए आपको डिजाइन, आपको आइडिया यानी कि कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम लोगों से कहूंगा आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उन लोगों को फिर से मैं थैंक्स कह रहा हूँ हमारा वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वेडिंग डेकोरेशन का थोड़ा सा आइडिया, यानी कि गाय हलूद का ट्रे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये वेडिंग डेकोरेशन का ये नॉलेज है, ठीक है, और इसे कैसे तैयार करना है और साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या टेक्निक इसमें तैयार करने के, उससे पहले मैं बता दूं जैसे कि इसका थीम क्या है वो मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे कि क्या हो आपका वेडिंग डेकोरेशन में सुबह में क्या होता है, जैसे कि गाय हलूद का जो ट्रे जाता है हमारे बंगाली में, और उसी के लिए जैसे कि बहुत सारा आप डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि ये मैंने एक कपड़ा दिया है, तो इस लाल कपड़े के बदले में आप अगर येलो दे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने स्पाइस से यानी कि ये गरम मसाला से और ये जो तेज पत्ता से मैंने ये डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये देखिए, ये तेज पत्ता है, ये गरम मसाला है और ये थोड़ा सा मैंने फैब्रिक कलर इसमें यूज किया है। और साथ ही साथ ये देखिए, जैसे कि मैंने हल्दी इसमें रख दिया है और ये ऑयल है, ठीक है। तो इसे क्या होता है, सुबह सुबह में जब शादी वाला घर में क्या होता है, ये जो डेकोरेटिव करके जो तत्व आता है यानी कि ट्रे डेकोरेशन करके, तो ये आप कैसे आप प्रेजेंटेशन करेंगे आप लोग, तो इसी थीम लेकर मैंने ये बनाया, जैसे कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक व्यू भी रहेगा और साथ ही जैसे कि ये तत्व वाला डेकोरेशन का ये डेकोरेटिव ये नॉलेज थोड़ा सा इसमें दे दिया है। और साथ ही साथ ये देखिए, मैंने एक कार्ड में इसमें लिख दिया है यानी कि सकाले गाय हलूद ट्रे, ठीक है, यानी कि ये ट्रे है और ट्रे में ये क्या है, ये नाम आप लिख सकते हो इस जगह में, इसलिए मैंने इस जगह को छोड़ दिया है और इस जगह आप कोई भी आप नाम लिख सकते हो इस जगह में, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने इस जगह के लिए ये देखिए थोड़ा सा मैंने इस गैपिंग कर दिया है इस जगह के, और इस जगह को मैंने थोड़ा सा बड़ा गैपिंग कर दिया। तो आप लोगों को अगर ये जो बाटी दिख रहा है ना, ये बाटी जितना साइज का होगा उसी हिसाब से ये काटना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि ये ऊपर में से मैंने डेकोरेट किया है और साथ ही साथ आप लोग भी ये कर सकते हो, अलग तरीके से भी कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, यानी कि जो लड़का के तरफ से जो शादी के लिए जो हल्दी जाता है ना, तो उसी डेकोरेटिव करके मैंने दिखाया आप लोगों को, ठीक है। और ये यूज किया लगेगा, ये देखिए मैंने एक जो तेज पत्ता यूज किया है, ये ऐसे यूज किया। तो कैसे इसे हम तैयार करेंगे वो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और ये मैंने एक दिखाऊंगा, यानी कि जैसे कि मैंने इस तरीका से दिखा, ये जो स्पाइस से यानी कि आप जैसे कि रान्ना घर से बहुत सारा मसाला लेकर आप बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। मैंने एक बनाया तो आप और भी कुछ बना सकते हो इसमें से, तो वो मैं करूंगा और साथ साथ मैं दिखाऊंगा कैसे इसे हम तैयार करें, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थर्मोकोल लेना पड़ेगा, थर्मोकोल लगेगा, इसमें आटा लगेगा, पिन लगेगा, और ये जैसे कि ये कपड़ा, ये तो कुछ नहीं, ये ऐसे लगेगा और ये डेकोरेट कैसे मैंने किया आप देखते रहे। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ और ये बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को।
ये देखिए, तो इसके पहले मेजरमेंट लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि ये गहरा इंच है और इधर में कितना इंच है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, नीचे में हाफ इंच चला गया, तो गहरा और 7 इंच इसमें है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें एक पीस इसमें लेना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थर्मोकॉल को आप इससे ऊपर अगर कटिंग करें तो ये अच्छा दिखता है। इसमें से ये 7 चाहिए हमें, 7, यानी कि 7 से हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, और ये ठीक है। और इसके बाद ठीक है, ये मैंने एक टुकड़ा कटिंग कर लिया है पहले, और उसके बाद देखिए ये साइड में जो एक पार्ट मैंने लगाया थोड़ा सा डायमेंशन करके, वो पार्ट मैं इसमें से आप लोगों को दिखाऊंगा। ये लग जाएगा, और दूसरा हम इस जगह के लिए हम ले लेंगे मेजरमेंट। दो तरफ हो गया, और तीसरा हम इस तरह इस टाइप का हम करेंगे।
ये और इसके बाद देखिए जैसे कि इस जैगर में हमें फिनिशिंग करना है, तो इसके लिए इसको हम ऐसे करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ऐसे कटिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इधर हो गया, ये देखिए ये कोन का फिनिशिंग हो गया और इस तरफ भी हमें ऐसे ही फिनिशिंग करना है। ठीक है, ये हो गया, अब हम इसको ये आठे को फ्रेंड ऐसे लगाना है। ठीक है, और काम क्या लेना है फ्रेंड, ये देखिए जैसे कि थर्मोकोल में फेविकॉल ऐसे ही सबको लेना है और उसके बाद आठे को इसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, ये देखिए और साथ ही साथ ये साइड में आपको लगाना है और इस साइड में लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद इसको हटा देते हम इसे हाफिज कम कर देंगे। ठीक है, आप पिन लगा सकते हो और नहीं तो ऐसे ही आप छोड़ दे सकते हो, ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसी को करना है, ये दूसरा जो इसके ऊपर ये मैंने रखा है और ये जो साइड है ना फ्रेंड, ये देखिए जैसे कि ये बैक साइड में क्या है, ये नीचे में से मैंने ओवरलैप कर दिया, इसलिए मैंने वहां पे गैप छोड़ दिया है इस जगह पर। ठीक है, और इस पार्ट को हमें तैयार करना है, जैसे कि ये वाला, ये रह, ये देखिए इस वाला मैं ऐसे इसके अंदर दे दिया, तो इसे हम कैसे करें, हम थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो चलिए ये हमारा ये थर्मोकोल से हम ये करेंगे। ठीक है, तो इसके हम इसके ऊपर रख दें और तो ये कितना लंबाई है ये हमें पहले देखना है। ठीक है, ये 19 इंच है। ठीक है, तो ये हमारा 19 इंच इतना बड़ा है, इसी तरह हमें दो पट चाहिए। ठीक है, तो 19 इंच में हम मार्क करेंगे। तो फिर थर्मोकोल में ड्रॉ करने के लिए आप लोग 19 इंच अगर ले तो ठीक ठाक रहेगा, मार्कर ले तो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, और इधर में हम 19 इंच ले रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड ये डेकोरेशन करने के लिए आपको